हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने YouTube चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग सीटेट के लगातार एक क्लास हमारा क्या है चल रहा है, जिसमें पैडागोजी 500 क्वेश्चन वाला सीरीज है चल रहा है। लेकिन आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ईवीएस बारे में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ईवीएस के बारे में। तो आज आपका ईवीएस होने वाला है और ईवीएस में जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा भाई, ये क्वेश्चन मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके पास होगा जिसमें आपकी थ्योरी का भी काम हो जाएगा। तो अगर आप ईवीएस पढ़े होंगे तो जानवरों के बारे में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, पहले जानवरों के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है ना। जानवरों के साथ साथ आप क्या पढ़े होंगे, आप जानवरों के बारे में पढ़े, फिर इसके बाद आप पक्षी के बारे में पढ़े, इसके बाद पक्षी के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा घोंसला आ जाएगा। आप जो जानवर पढ़े हैं क्या पढ़े हैं, सलाथ, क्या पढ़े आप, सलाथ, और क्या पढ़े हैं, बाघ और हाथी, और आपका क्या होगा, लंगूर, क्या है, बाघ है, ग लिखा गया क्या, ठीक आप सही है, लंगूर, और क्या पढ़े हैं, लंगूर के साथ साथ आपका क्या होगा, इसमें सलाद हो गया, बाघ हो गया, हाथी और लंगूर। यहाँ पे कुत्ता बिल्ली भी हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कुत्ता का भी, और क्या पढ़े हैं, बिल्ली का पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, नहीं नहीं मंगे, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, लंगूर हो गया, इसी में आप इसी में डाल दीजिए, इसी में चूहा को भी डाल लीजिए, हाँ इसमें गिलहरी को भी डाल लीजिए, गिलहरी ना हो, गिलहरी के बाद और छूट रहा है इसमें, सांप को भी इसी में डाल दीजिए, सांप को भी क्या है इसी में डालिए, सांप होता है, सांप होता है, सांप, और क्या जानवर में छूट रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है किसी के, दौड़ा लीजिए जल्दी से, और कोई जानवर दिमाग में बैठा, हाँ छिपकली कर लीजिए, मगरमच्छ कर लीजिए, ठीक है ना, हाँ छिपकली, और क्या, मगर, और मगरमच्छ में याद रहे, अब दो तरीके से हम पढ़ रहे हैं, दो तरीके से पढ़ रहे हैं, बच्चे देने वाले, ठीक है ना, जिनके शरीर पे क्या होता है, मेंढक से नहीं आता क्वेश्चन, मेंढक से नहीं आता, ठीक है, जिसके शरीर पे बाल होते हो क्या देते हैं, बच्चे, जिनके शरीर पे बाल नहीं होते वो अंडा देते हैं। अब पक्षी में आपको क्या करना है, पक्षी में आपको घोंसला के बारे में पढ़ना है और इनके चोंच के बारे में, क्या, घोंसला और चोंच के बारे में, दो तरीके से, और इनके देखने की क्षमता, जो उनमें चील, गिद्ध और बाज, ठीक है, और इसी में जो उल्लू है 270, कितना 270 डिग्री तक अपना गर्दन क्या करता है, घुमा देता है। तो ये हो गया आपका जानवर और पक्षी, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया। इसके बाद आप क्या पढ़े, भोजन के बारे में क्या पढ़े, भोजन कहाँ कहाँ, किस राज्य में कौन कौन से भोजन, ठीक है ना, ये। इसके बाद भोजन के बाद त्योहार है आपके, त्योहार में जिसमें बिहू असम का, ये मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं कि दिमाग दौड़ा रखे, क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब त्योहार का हो गया, अब इसके बाद आता है कपड़े से, अब कपड़ा दो जगह से, ले लद्दाख, कोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिमाग में है ना, अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक साथ आएगा तो किसको मारेंगे, तो तेलंगाना को मारेंगे, हाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ आए तो हम मारेंगे तेलंगाना को, अगर तेलंगाना ना दिखे तो हम किसको मारेंगे, आंध्र प्रदेश को, बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए और क्या, और इसमें जो पक्षी वाले में एक चीज और याद रखना है कि तो कौन से पक्षी होते हैं दूध और पानी को अलग कर देती है, इसको दिमाग में बैठा के रखेगा, हाँ अब आगे देखते हैं और क्या बचा है ये। इसके बाद पूर्वी घाट, ए मैप में पूर्वी घाट, ठीक है, और क्या पश्चिमी घाट, याद रखिएगा राज्य का आएगा ऐसे पूर्वी घाट, और आज मैं जो क्वेश्चन लिया हूं जो न्यूमेरिकल टाइप का उसको नहीं लिया हूं, जैसे कि घड़ी वाला, घड़ी कैलेंडर हो गया, चार रेल का टाइम हो गया, चार बराबर दूरी बटा समय, ये सब मैं नहीं लिया हूं आज, बस मैं ये लिया हूं जो बस थ्योरी जिसमें लगाना नहीं है, डायरेक्शन वाले भी क्वेश्चन हम नहीं लिए हैं, राज्य से रिलेटेड कि किस राज्य में क्या क्या फेमस है, तो राज्य मतलब राजस्थान, लद्दाख, असम, बिहार, ठीक है ना, गोवा, और हाँ वो याद कर लिया कौन चीज, नारियल का तेल और सरसों का तेल, हाँ टैपियो का, दिमाग में सब आ गया कि नहीं, अब
अब क्वेश्चन पे चला जाए ये और थोड़ा सा और देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज। बस 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 आप लोग ज्यादा शोर मत करिए। हाँ इसमें बहुत शोर हो रहा है। आप लोग बस धीरे धीरे। आप देखिए घर के बारे में आपसे पूछेगा क्या, घर के बारे में और पानी को कैसे कैसे स्टोर किया जाए किस किस राज्य में, इससे पूछेगा। पूरे ईवीएस समझ में आ गई कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है। घर हो गया, परिवार हो गया, इसीलिए थीम और उप थीम कहा गया है। थीम और उप थीम पूरा उसी से क्या है। तो घर में पानी वाला कहां और आपका नमक वाला याद होना चाहिए, कौन सी झील नमक के लिए, फूलों की घाटी उत्तराखंड, तो ये दिमाग में आपको पूरा आ गया। और जम्मू कश्मीर में कैसे घर, ढालूदार, लेकिन लद्दाख में प्लेन, लकड़ी के मोटे तने से, ये सब दिमाग में रहना चाहिए। अब हम कहां चल रहे हैं क्वेश्चन। हाँ आज अब जो बात बने किसमें क्वेश्चन में, कुछ कुछ चीजें मैं क्वेश्चन में लेके आया हूं, उसको स्क्रीनशॉट आप लोग लग रहे ले लीजिएगा या फोटो आप लोग बैठे तो खींच लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन में और ऐसे ही क्वेश्चन फिर एक बार करा देंगे, ऐसे से तीन चार बार हो जाएगा ना तो पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा। ज्यादा लिपिक होते ना, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं हमको समझ में आ रहा है इसमें। चलिए अब आजिए भैया क्वेश्चन में। आप कहां गया ईवीएस, पहला क्वेश्चन आपके। अरे भैया क्या हुआ, कहां चला गया? अच्छा सब रख करा दिया यहां पे। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है और जितने ऑप्शन आएंगे आज मैं सभी ऑप्शन के बारे में आपको दिखाते चलूंगा, बात करते चलूंगा, ताकि उससे क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। लगा लिए होंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे क्या नील, हल्दी और मिश्रित और फूलों के रंग, मतलब अब क्या कह रहा है, पेड़ों की छाल से मिश्रित, तो लो ना पढ़ लेवा, पेड़ का छाल नहीं पढ़े बस, लेकिन बाकी सब पढ़ लेवा, ठीक है ना। मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, कहां पे, दीवार पे, जैसे नवमी में बना ला चावल घोल से दीवार में नवमी में बनाते हैं ना वैसे वाला। अब क्या चित्र रहेगा, मछली का, जानवर का, पेड़ पौधे का, इंसानों का, इन सबका चित्र बनाया जाता है इन सबके घोल से। और इस रंग को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक रंग, मतलब प्रकृति से क्या करते हैं लोग इसको बनाते हैं। तो कहां आएंगे, मधुबनी है, कलमकारी, वर्ली और फुलकारी। तो मधुबनी कहां आएंगे, मधुबनी कहां पे, मधुमक्खी पालन, बिहार, भोचाव गांव, अनीता लड़की, हाँ। और वहीं पे क्या होता है, सितंबर से अक्टूबर, हाँ अक्टूबर से दिसंबर, और लीची के फूल फरवरी में, ठीक है ना। अंडे देने का ये समय होता है, इसी समय क्या है अपना क्या है घोंसले में जाती है मधुमक्खी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, नहीं इसके पहले इन चारों ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे किस राज्य में क्या है, ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ जाए। देखिए मधुबनी में क्या, मधुबनी कहां, बिहार में, वर्ली कहां, महाराष्ट्र में, और कलमकारी कहां, आंध्र प्रदेश, और फूलकारी कहां, हरियाणा। जब भी यहां से आएगा तो चारों दिमाग में बैठा लीजिए, सब क्वेश्चन में ऐसे चीज मिलेंगे ताकि जो कंफ्यूजन वाले काम हो खत्म हो जाए। यही आएगा फिर घुमा के, बस क्वेश्चन बदलेंगे, क्वेश्चन बदलेंगे लेकिन बस क्या होंगे यही सब ऑप्शन में घूम फिर आएगा, क्लियर। आप आते किसमें, हम दूसरे में देख ले भैया, मधुबनी बिहार, वर्ली महाराष्ट्र, कलमकारी आंध्र प्रदेश। यह कलमकारी यह पोचमपल्ली साड़ी वाला है, पूरे गांव में क्या है बुनकर, क्या है पूरे गांव में वहां पे बुनकर है साड़ी के लिए, ही पोचमपल्ली वहां का पूरा गांव ही क्या है बुनकर पर गया, वो इलाका भी क्या है उसी में लीन है। कलमकारी मतलब कलम से डिजाइन बनाई जाती है। आज अभी दूसरा क्वेश्चन, ठीक है आ रहा है, आ रहा है।
चलिए, ये क्या कह रहा है कि देखिए भैया आप फोन बंद कर लीजिए, आज क्वेश्चन पूरा बढ़िया बने वाला रिवीजन वाला है। एक भोज्य पदार्थ के एक समुच्चय का चयन कीजिए। एक समुच्चय का मतलब कौन किस श्रेणी में आ रहा है, जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है कि कौन खाली फूल फूल, कौन खाली फल, और कौन केवल तना, कौन केवल जड़। ऐसे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए क्या है, सेब है, गन्ना है। अब देखिए सेब है, गन्ना है, अदरक और क्या है, गाजर है। तो गन्ना क्या हो जाता है, तने में चले जाते हैं। अब ये कह रहा है हरी मटर फल है, जीरा चना गेहूं ये सारे क्या दिख रहे हैं हमको, फल दिख रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, पालक पत्ता हो गया, लेकिन जीरा क्या हो गया, फल हो गया, ठीक है ना। सेब टमाटर अदरक ये क्या होता है, खुबानी। ये क्या होता है, खुबानी, ठीक है। किसमें हो जाएंगे हम, यहां पे हमारा बी सही है। अब इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते चलिए, ताकि आपको कहीं दोबारा इधर घूमना न पड़े। ये सब कहानी एकदम खत्म हो जाएगा, एक दस को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मात्र तीन चार प्रैक्टिस कराएंगे ईवीएस का, ऐसा ऐसा वाला, उतने में काम आपका हो जाएगा। हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। देखिए बैगन मिर्च सेब क्या होता है, फल। अब मूंगफली सरसों सोयाबीन बीज में आता है, और हरी मटर जीरा चना गेहूं ये भी क्या है, बीज में। और ये कह रहा आलू अदरक तना, अब मूली चुकंदर सलजम जड़, और शकरकंद भी अभी यही आया था ना, लेकिन हम बता रहे थे फल, लेकिन फल नहीं है सब, है ये सब क्या है, बीज है, ठीक है। ये सब क्या थे, बीज थे। अब अगले चलते हैं, काफी समय लगा दे रहे आप लोग। अरे तो स्क्रीन शॉट ले, तकलीफ है बाद ना ले लो, तो लोग सोतवा लगे हाथ निपटा दे इकट्ठे, दोबारा के देखे, वही का व्यवस्था हम कर दिला तो उनका। वही कर रही भाई। एक क्वेश्चन तीन है ना, क्वेश्चन नंबर थ्री हो गए, क्वेश्चन नंबर थ्री है। अरे आ क्यों नहीं रहा भाई, बोलती इमारत इस चैप्टर का नाम है, ये बोलती इमारत चैप्टर का नाम है। गोलकुंडा के बारे में पढ़े हैं, गोलकुंडा किला। कह रहा है किले के विषय में एक वृत्तांत है, यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा किसे परिचित कराती है, तकनीकी अभिकल्प क्या है, अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्था, मतलब पहले लोग कैसे नवला धारा बाबड़ी कुआं तालाब कैसे बना के, राजस्थान वाले कहां की बात है ये, राजस्थान में पानी को कैसे रखते हैं, अलबरूनी कहां से आया था, उज़्बेकिस्तान से, उस नौ तालाब के बारे में लिखा था जिसको क्या कहते हैं बाबड़ी, और घरसीसर नामक तालाब है, और घरसी नामक राजा के क्या है नाम पे उसे बनाया गया था, और नौ तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे ताकि एक भर जाए पानी तो फिर दूसरे तालाब में पानी चला जाए, और आने के लिए अलग और जाने के लिए अलग रास्ते थे। गोलकुंडा किले के निवासियों के द्वारा ग्रहण किए गए जाने वाले भोजन, ये कह रहा युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, और अगर स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे क्या से होगा, ये कह रहा देखिए ये कह रहा है कि गोलकुंडा के किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के बारे में कहीं बात की गई है, कहीं बात नहीं की गई, ठीक है ना। और युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अच्छा जो किला बनाया गया था किले के बाहर लोग रहते थे ना, तो सही है, तो हमारा क्या गड़बड़ होगा, हमारा ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी, तो क्या सही हो जाएगा, ए सी डी, ठीक है। यहां भोजन के बारे में कहीं बात नहीं कही गई उस किले से रिलेटेड। आज ही भैया एकदम सही। सभी लोग को ये कई जगह उठा के लाए हैं। ये क्वेश्चन कितना है,
फोर है। क्वेश्चन नंबर चार है ना, मिला लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर चार ही होगा। पहले हुई। चलिए देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ग्रीष्म ओलंपिया 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, भारत की पहली और विश्व की दूसरी, चौथी। हे बा गलत मत बताइए, हम के भी नाम तो लोग कंफ्यूज कर ला चाटे बोल के, पांचवी। हाँ, और विश्व की पांचवी महिला कौन? करणम मालेश्वरी। अब बछेंद्री पाल क्या थी? पर्वतरोही। अब कहां पे? माउंट एवरेस्ट पे। वहां पे देखो, जाने के लिए क्या है, रस्सी ओसी और क्या लेके जाते हैं, वहां पे 1:07 पे चढ़ी थी, दो लोग साथ गई थी, लेकिन उससे पहले कौन चढ़ी थी? करणम मालेश्वरी। वहां जाके लोग सेल्फी लिए थे। अरे करणम मालेश्वरी कह रहे बछेंद्री पाल। और कहां पे? उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड। अच्छा, वहां पे जो है उसको माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। सागर माथा के नाम से हम जानते हैं वहां पे। मैं लिख नहीं रहा हूं, सुनते रहिए, इनसे कौन मतलब है ना। और सुनीता विलियम्स यांत्रिक, वहां बार इनका ऐसे लहरत रह जिसल का कि कंघी की जरूरत ना, जब मुंह धोना होता तो पानी क्या है, पानी को बूंद को पकड़ क्या करती थी, हाथ तो अपना पोछती थी। कितने महीने थी? 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने यांत्रिक में थी। अब और आ जा वहीदा प्रिज्म, जिसमें 36 परेड कराए जाते हैं। ये बनना तो चाहती तो कुछ और, अब बन क्या गई? कुछ और। तो कौन सा? जल में। वहां पूरा जो भी डॉक्टर का भी ये काम उसमें करती रहती थी, अगर कोई बीमार उमार होता था तो। आप देखते के बचल है और क्यों बचल है? आए? अरे यहाँ वेट, अरे तो करणम मालेश्वरी तो यही हो गई ना। हाँ, सूर्यमणि चमकता सितारा, जो एक चेहरा वाला समझ में आते हैं फोटो में। और कोई तो 4-5 लोग का नाम ऐसे याद करके रखिएगा, चाहे वो कल्पना चावला भी हो, बीच में आ जा रही हैं, तो उनको भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब आइए आगे, अनीता को बताया तो है। कहाँ थी? ये देखा, आ गई चिड़िया उड़िया आ गई है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या भाई? कोयल। कोयल जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में क्या करती है? अंडा जाके दे देती है। और याद रहे, कौवा जो है घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे, पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे, दोनों पेड़ों से कला। लेकिन नहीं, बात आ जाए कौन चीज का, चील बाज और गिद्ध की बात आ जाए, तो ये क्या करेंगे? उस इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाते हैं। ये कौन चीज का? तार टहनी, इस सबको लेके बनाते हैं। और देखिए, अब यहाँ पे बसंत गौरी है लटकता हुआ, हाँ तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। और जो कटफोड़वा होता है वो तने में छेद करके कीड़ों को खाता है, और ये उसमें खोद के क्या करती है? घोंसला बनाती है। फागता पछी, इसका होंठ कैसा होता है? गुलाबी। हाँ, कैसा होता है? कबूतर। इसका होंठ कैसा होता है? तब इसका गुलाबी होता है। अब ये क्या पूछ रहा है? रंग सलेटी पंजे गुलाबी, तब तो कबूतर लगा था। गुटुर गुटुर करता दिन भर शोर करता, तो मतलब क्या हो जाएगा? कबूतर जो है पुराने खंडरों में घर अपना बनाते हैं। अब यहाँ पे जितनी पक्षी पढ़ाई गई हैं, सबका दिमाग में एकदम बिठा ला, ये तो पक्षी की बात आएगी आएगी, पक्षी इतना ज्यादा है कहां से पूरा एकदम कराए। ई देखा, ई अवदेश की आवत है क्वेश्चन। अवदेश की आवत है कौन ना? बीन थुम्बा, ठीक है ना। और एक होता है क्या? ढोलक। क्या होता है? ढोलक। ये कौन यूज करता है? जो सपेरे थे, कौन थे सपेरे वाले, इनको क्या कहते हैं?
काल बेलिया, इन्हें क्या कहते हैं? काल बेलिया कहते हैं। लौकी ये क्या होते हैं? काल बेलिया। सांप कितने प्रकार के? चार प्रकार के, नाग, करैत और क्या, दुबैया और अफाई। नाग, करैत, दुबैया और अफाई, इनके दो खोखले दांत पाए जाते हैं जिसमें जहर भरे होते हैं। ये दांत होते हैं लेकिन मांस को चबाते नहीं है, ये सीधे क्या करते हैं? निगल जाते हैं। और यहाँ पे एक प्रकार का डांस लोग करते हैं, नागिन डांस, कालबेलिया वाले, ठीक है ना? कहाँ? राजस्थान में। नागिन डांस नहीं करते हैं यहाँ नागपंचमी होता है भैया, वहां नागपंचमी नहीं होता है। नाग गुम्फन, कौन? नाग गुम्फन, गाना ना नाग गुम्फन, वहां का जो जिसमें नृत्य करते हैं उसका नाम क्या होता है? नाग गुम्फन। और हमेशा सपेरो वाला नया नया स्टाइल में अपना डांस करते रहते हैं। अब आ जाइए, ये कह रहा है कि जो ये बीन है, जो थुम्बा है, किससे बनाई जाती है? लौकी से बनाई जाती है। किससे? लौकी से। और ये कटहल है, कद्दू है। और देखिए लौकी किस काम में आता था कि जो पहले के समय बीजों को रखने के लिए इसमें डाल के बीज को रख के हम क्या करते थे? मिट्टी से लेप करते थे ताकि क्या है, बीज खराब ना हो। कभी भी कोई चीज खराब तब होती है जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, तब चाहे क्या है, बर्फ पानी या बॉयल पानी। लेकिन सोना चांदी ऐसे है, सोना चांदी तांबा ये सब ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते लेकिन अभिक्रिया नहीं करते हैं। यही से काने में का, नाकी में का, कौन जी के बना ला? सोना और चांदी का। जबकि हर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होती है? खराब हो जाती है, लेकिन ये खराब नहीं होती है। और याद रह, एक ग्राम सोना में कम से कम 3 किलोमीटर तार बना सकला और चांदी में 2 किलोमीटर, तो सोचा कितनी पतला तार हुआ मकड़ी का झाला। तो ऐसे धातु होती है। आगे बढ़ा, साइंस बना देते तो ढेर पढ़ा दे वो तो जैसे कि जो ढोलक हो गया ना, वो वाद्य जो होता है बजाने वाला, जैसे बीन हो गई, वैसे ही कोनो थुम्बा होते हैं उन्होंने कहा, और में ढोलक, तीन चीज का ये यूज करते हैं, उसी में नागिन डांस करते रहते हैं। आ जाए भैया, लौकी वाला, लौकी से, लौकी एक क्वेश्चन छह है ना, सात है, चाहे क्वेश्चन नंबर सात आ गया, ठीक है सात है। देखा भैया, पिछली बार टेस्ट में हम कहा दे ले रहनी? काली मिर्च, आधा पारी बदल गया है मैं पतला सा पर छोटा सा, भूरा भी हूं और काला भी हूं, गरम घी और तेल में खुशबू फैलाना फैलाता हूँ, दही और जलजीरा में भूनकर डाला जाता हूँ। दही में तो ना खिली जल, अच्छा दही बाड़ा में। सोचो सोचो कौन हूं मैं? अबे पहली भाई बताइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जीरा ना। और आई लवंग वाला हाल, जब कही किल्ली वाली बात तो आएंगे लवंग, और जब काले की बात आएगी तो आएंगे किसमें? काली मिर्च। एकदम दिमाग बैठे, ऐसा ही पहली दही, और पहली से क्या करना पड़ेगा? अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। दालचीनी वाला बिना हाल है भाई, लौंग आया है किल्ली वाले में कि कील की तरह कौन होती है? हाँ, तो कील की तरह कौन होती है? लौंग होती है। मसालों का शहर केरल, मसालों का शहर केरल, वहां पे तेजपात, जीरा और काली मिर्च ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर भाई आठ, अच्छा फिर आ गया क्या पक्षी? फिर पक्षी आ गया। पहला ना सही है तो बताओ कहां, क्योंकि पहला ना सही है, जवान सही हो बतावा। देखिए, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को चार गुनी ये भैया चार गुनी ज्यादा तो बेमही ना जी वालो गिद्ध चील में। क्वेश्चन नंबर कौन था? आठवां है ना, ठीक है तब।
अच्छा देखिए कौआ 370, कौआ चेष्टा ज्यादा, पक्षिया की आंखें क्या होती हैं, सीधे होती हैं। जब सीधा देखती हैं तो किसी एक वस्तु को, और जब दो तरफ देखती हैं तो एक समय में दो वस्तु को देखती हैं। अब ये जो चील और जो गिद्ध है, दूठे का पैर, दूठे पैर, दूठे आंख, इसलिए कितना गुना ज्यादा, चार गुना ज्यादा। और जब शेर बाघ चीता तो चार ठो पैर, दूठे आंख, तो कितना, छह गुना ज्यादा। इतना दिमाग में एकदम बैठा लिया लो। अरे घोसला वोसला लेने के याद कर लिया। यहां पे देखिए कोई मतलब है क्या इसका, नहीं कोई मतलब है, सही है, कोई मतलब नहीं है। अब जान ही चुके हैं, अब जानता हुआ चील गिद्ध जो उनका अपने इलाके के सबसे क्या ऊंचे पेड़ पे के ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाते हैं। ये मृतक पदार्थों को मतलब खाते हैं, जो मर उड़ जाती है क्या करते हैं कोई, तो उसको क्या करते हैं, खाते हैं। कह लीजिए एक तरह से भी क्या है, परजीवी है। ला भैया सही से पीडीएफ बन नहीं पाया है क्या, इसमें साफ आ रहा है कि नहीं। उसे कमजोर है यही रात ही खिंचा ला ना जल्दबाजी में। ये नौ नौ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर नौ कह रहा, निम्नलिखित में से जानवर को चुनिए सुनने की संवेदना शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण मतलब कम कि ज्यादा, कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने के अंतर, तो क्या हुई भैया बाघ इक्का घंटा सुता ना 17 घंटा, ठीक है ना। अब बाघ क्या होता है, अपने इलाके को अपने मूत्र से क्या करता है, बांध के रखता है। बुलाने की अलग आवाज, ठीक है ना, गरजने की आवाज उसकी 3 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन बाघिन को बुलाना तो अलग आवाज निकालता है, गुर्राना अलग। इनके क्या होते हैं, कान जो होते हैं हमेशा दिशा मोड़ मोड़ के क्या है, पत्तियों और हवाओं की आवाज को सुनते रहते हैं। और रात में इन्हें कैसा दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट। और रात में जितने फूल खिलते हैं वो भी क्या होते हैं, सफेद और सुगंधित। बात समझ में आ रही है ना। और क्या करते हैं इसमें, और कुछ है, कितना गुना, छह गुना बेहतर। अभी अच्छा ऊपर ना बात भेजिए पहले ही होगी बात। क्वेश्चन नंबर नौ, नौ देख ला सही से, 10 हो गया। ये कौन सा है, ये दसवां है कि ग्यारहवां, ठीक है भाई। वैसे ईबीएस में गड़बड़ना है तो लोगों का था, किसी और बड़ा कर देते थोड़ा सा, इंग्लिश वाले से मतलब है नहीं, जब इंग्लिश वाला चाहिए तब बताइएगा। चार ऑप्शन ऑप्शन जाके दी, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाए ना वही बाने याद हो जाए कुल। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार मतलब विवरण दिया हुआ है, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है। अब बहुत अधिक होता कहां चल जाती हम, असम में। बहुत कम होती कहां चल जाए अब मौसम सामान्यता क्या है, गर्म रहता है, अब गर्म भी रहता है, इसलिए राजस्थान में घर कैसन, मोटे मोटे माटी का दीवार और गोबर से क्या लिपैया पोतैया, ताकि कीड़े मकोड़े ना जाए इसके लिए। और जो उनकी छत होती कैसी, कटीली झाड़ियों से। अच्छा अच्छा लिख लो बात, रहते हैं और घरों की मोटी दीवार बनाई जाती है, ठीक है। और लीप पोत के क्या करते हैं, घरों की कटीली, पूरा तो लिख लो तो क्या है, अब देखिए कि मध्य प्रदेश और क्या है, गुजरात, राजस्थान और झारखंड में क्या पाया जाता भैया, तो रांग जंगल को क्या कहते हैं, तो रांग। कौन सी भाषा, कुड़ुक। कौन सी भाषा, कुड़ुक भाषा यहाँ पे बोली जाती है। और 2007 की 2007 अधिनियम यही कहता है ना कि जो 25 साल तक जंगल में रह गया, जहां तक वो जंगल उतने दूर का एरिया क्या उसका, उसको खेती आराम से अपना कर सकता है। और वो कहाँ का, जहां पे टीन खेती होती है, झूम खेती की, मिजोरम, मिजो भाषा कौन सी, मिजो, मिजोरम खेती, वहां टीना नाप के देके दिया ही और लॉटरी लगावल जाई कि जिसका लॉटरी में नाम आएगा वो एक टीन बीज वहां पे बो सकता है। और वहां काटते नहीं है,
लात से कहा दबा हुआ, क्या करा खाली जला दा, फिर उसमें थोड़ी सी हल्की खुदाई कर क्या करेंगे आप वहां पे बुआई कर देते हैं। अब केहू को खेत केहू के बहना बना, हर साल खेत चेंज, शिकल लोटरी में आई वो उतना अपना बोएगा जोतेगा। अब रही बात गुजरात, गुजरात में क्या पड़ता है, कौन से स्टेशन बालसार और देखिए गुजरात से ही दांडी यात्रा वाली बात हुई थी, ठीक है ना, गांधी जी का नमक तोड़ो आंदोलन। ए भैया रुकल्ला रुकल्ला लोग, ठीक है, जब वहां से गोवा तक गए जब नमक तोड़े आंदोलन में तो कितना 92 सुरंग, कितना 92 सुरंग और 2000 पुल पढ़ते हैं। जब वहां से लोग गए एक दिन में गांधी जी 10 मील चला, कितना 10 मील। इसी वाले में था इनका ये वाला था कि भैया जेकर मन कर हमारे साथ वही आदमी आएगा जो क्या है मार सहने के लिए तैयार होगा, इसीलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ऐसा फैसला क्यों लिया गांधी जी, क्योंकि चौरी चौरा कांड जब कुल स्टेशन में फूक देना तो करे बाद ही कहने की हमारे साथ ही कुलाब नारे हैं, मेरे साथ वही लोग जाएंगे जो मार खाने के लिए तैयार होंगे। तो 79 लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया था पांडू जी आइए इसमें व्याख्या करेगा ढेर, हम इधर उधर फिर इधर उधर चल जाएगी। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल से बनी, अरे बाप रे सरसों के तेल, क्वेश्चन नंबर कौन है 11 के बराबर, हाँ 11 चला देखा तो कहा मछली है कौन एक तेल से सरसों के तेल से बात कहाँ रही कश्मीर में, और यहाँ पे नारियल, नारियल किससे नारियल, और आंगन में गोवा में क्या लगाते हैं टैपियोका और नारियल के पेड़, ठीक है ना, और यहाँ पे मछलियों को क्या है नारियल के तेल से, और कहाँ नारियल के तेल से एक जगह और केरल उसके जस्ट बगल में, और इन्हा से कौन मतलब है ना केंद्र शासित प्रदेश हो लेकिन मतलब ना आने से लाभ या तब केंद्र शासित प्रदेश अछापा दर्द स्क्रीन शॉट ले लो ये वाला हो गया बस जल्दी आ गए एक जाने ले लगा रहा क्या कह रहा असम में कौन झींगा मछली चावल और बिहार में लिट्टी चोखा खाएंगे आज जिंदगी अपने घर पे बिताएंगे दाल चावल ठीक है, अरे नौकरी मिलेगा ही नहीं तो बिहार में जाएंगे और वहीं पे वैकेंसी आ ही रही है अगर आप वहीं पे बनाएंगे ना घर अब कहाँ बनेगा बिहार में फिर वैकेंसी आएगी यूपी वाले तो सो गए हैं इन लोग खाली वोट से मतलब है, ठीक है दिया बोटी और लिया रोटी, अपन दिया बोटी बटिया रोटी और लास्ट में तुलन से कहा लिए भैया 1 करोड़ का वोट और तोके लगी बस रोटी बोटी के बराबर का वोट है कहा मुझे क्या, अरे कौने जमाने में 2 लाख रही जब मर्जी जी हुआ तो क्या खाएगी हुआ रहोगे तो चाहे कुछ जीवन में जेकर 40 के पार हो जाते भरी 45 के पार हो जाए वो तो गरी होता रहे जब ले मरी ना तब ले कि हम बी एड के नहीं मेड के नहीं कुल के बैठे ले कोनो काम का ना नहीं तो अपन घर दो साठ साल का छूट मिली, अरे जो साल जिये 23 साल लग कमेबा यो जाना कि 60 साल की उम्र भी तो निर्धारित कर दिया गया है साइंस के हिसाब से कि आदमी आज डेट में केवल कितना 60 से 65 साल तक जिए है तो 60 साल का वैकेंसी लेके क्या साल जीवा 120 साल। आने वाले समय में बहुत घर में ऐसे मौत हो रही है कि बाबू अभी जीता हुआ लड़का टपक गया था वो अपन 120 साल का रजिस्ट्री कर ले ऐसे जिए थे तो लोग 65 साल का है 23 बराबर में आप जो एज आधारित जो आएंगे क्वेश्चन आप गलत हो जाएंगे कि अपने पिताजी से 5 साल बड़ा माना एक तो कहानी हो जाए खत्म दोनों सतहों मर्जी है। बिहार में आ गई बात गुजरात में क्या ढोकला लेमन राइस मतलब नींबू और क्या खांडवी अभी नीचे उसी के बारे में बात कर रहे थे ऊपर गुजरात में जो स्टेशन है स्टेशन पे ही बात होती है ठीक है ना। नागालैंड बांस के फल मतलब बांस का बनाया जाता है काट के और ये क्या है मोमोज वही का है यहाँ मार सब चपले बा एकदम सुबेरे साझी दोपहर जब मिल जाए मोमोज यहाँ का नहीं है। केरल में क्या है अवियल
मिश्रित सब्जी और क्या टैपियोका पूछता है, ये याद रखिएगा। पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी, छोला भटूरा। हाँ लेकिन अब उतना ना पूछिए, ऑनलाइन ही हम फंसा दे रहे ना, ऑफलाइन में आप सीधा सीधा पूछेगा। ऑनलाइन में क्वेश्चन बनाने के पास उसके पास चांस नहीं थे, इसलिए नए नए शब्द ले रहे थे, आप सीधा सीधा रहेगा। और कुछ छुटल है? सरसों का साग आज देखा शिक्षण ना, अरे बाप कुआरा तो इतना तगड़ा बा। ये क्वेश्चन कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 12, पीछे का सी सही था क्या? हाँ पीछे का सी सही रहा तुम लोग का सब एकदम लिख दबले बा पढ़ ले भी। नहीं मतलब 12 के कैसे आई, तो 3 थे 12 के कैसे हुई, अगर मान लो 12 यहाँ लिख दी 12 के कैसे हुई कूट में है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर डाले चाहिए नहीं, लेकिन इधर ही लिखा गया 12 इधर हो गया। ये वर्षा के पानी का भंडारा और संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियां हैं कौन? बाबरी सीढ़ीदार कुआं, जाने के अलग रास्ते, आने के अलग रास्ते, 9 तालाब आपस में जुड़े हुए। घड़शीसर नामक राजा के नाम पे बनाया गया है, घड़शी नामक राजा के नाम में घड़शीसर तालाब बनाया गया है। अलबरूनी कौन था? एक यात्री था, कहां से आया था? उज़्बेकिस्तान से आया था, उन तालाबों के बारे में लिखा था। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में, बाबड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती, परंतु लोगों को घिरनी ना भैया, गिरनी द्वारा ऊपर ही है, गिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। ये घिरनी थोड़ी रही, ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना। अरे भैया मटका लेके जाए के एकदम बढ़िया से मटकत मटकत वहां से भर के लेके आओगे सीढ़ी से चढ़ के, वहां कुआं से थोड़ी निकालना है, ये काम खत्म हो गया। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है, सामुदायिक संसाधनों, पानी की बात अगर समझ में आता तब तो सही है, एक का सही है। यही सही है, क्या है? ये सही बस। ला भैया फिर से आगल चोंच है मेरी। ये क्वेश्चन नंबर 13 ना, वही क्वेश्चन नंबर 14 वही तो लोन कर 13। हाँ पता है, देखा भैया चोंच मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, के आगर दर्जी, के आगर दर्जी, दर्जी से दार्जिन, दर्जी से दार्जिन। अब क्या है? कलचिड़ी है, शक्कर खोरा है और नर बीबर। अच्छा बीबर में देखिए, नर बीबर पक्षी घोंसला बनाता है, मादा वाला नहीं, मादा वाला जाके चेक कर ला कि कौन घर एकदम बढ़िया, जोन घर बढ़िया उसी में जाके क्या करता, अपना अंडा देता है, ठीक है ना। देखिए घटपर्णी आपको अच्छी तरह पता है, घटपर्णी पौधा क्या कहते हैं हम? नेफेंथिस। क्या कहते हैं? नेफेंथिस। ये नेफेंथिस का पौधा होता है, ठीक है ना, ये नेफेंथिस का पौधा होता है, कहां पाया जाता है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और भारत के कहां पाया जाता है? भारत के कहां पाया जाता है? अभी रुक ले इला, ठीक है। भारत कहां पाया था, इसको रुके। और इसका काम क्या होता है कि ऐसे जगह पे होता है जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, ये कीड़े मकोड़े को शिकार करता है, तो इसको हम शिकारी पौधा भी कहेंगे। क्या कहेंगे? शिकारी। ये क्या है? शिकारी पौधा भी है, कीड़े मकोड़े का शिकार करता है
और इसमें सुगंध इतनी अच्छी आती है कि कीड़े मकोड़े इसके पास ले आते हैं। और एक घड़ानुमा होता है, ढक्कन खुलल रही जैसे लोग गए हैं, कहा हुई ढक्कन बंद हुए चूहे दाने की तरह। अब कह रहा है जिसमें क्या चूहा मेढक कीड़े मकोड़े क्या होते जाके उसमें फंस जाते हैं, उनका क्या रहता है शिकार करके अपने नाइट्रोजन कमी क्या करता है पूरा करता है। तो कहां पे ये अरुणाचल प्रदेश मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, झूम खेती यही पे, झूम खेती यही पे। नागालैंड की बात अभी ऊपर थी थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है भारत के मेघालय में पाई जाती है, यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, मेघालय में वर्षा ज्यादा होती है, लेकिन 10 से 12 फीट की जोन बनी वो कहाँ बनी असम में। चलिए लीजिए भैया एकदम रंग बिरंगा आ दोनों ऑप्शन अपने साथ में आ रहा हूं दोनों ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो सही सही क्वेश्चन है। कोचमपल्ली अच्छा चलें। ये कह रहा है पोचमपल्ली, पोचमपल्ली ये कहां पड़ता है आंध्र प्रदेश, कहां पड़ता है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अभी रुक ले रहा, पोचमपल्ली में ज्यादातर लोग क्या है बुनकर हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पोचमपल्ली क्या होती है साड़ी, क्या बनती है साड़ी, लेकिन ले लद्दाख में साल, ठीक है ना। एक राज्य का जिला है, यह जिला अपनी सुंदर चमकीली ऐसे कहते क्या कलमकारी, ऊपर आया था क्वेश्चन कलमकारी आया था ना, रंग बिरंगी साड़ियां और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है, किस राज्य का भाग है, इन्ना की कौन राज्य, ठीक है ना, किस राज्य का भाग है। तो राज्य क्या आंध्र प्रदेश, लेकिन भाग किसका है तेलंगाना का, तो आंसर क्या तेलंगाना, ठीक है। तो ये बात को याद रखिए किस राज्य का भाग है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना। हाँ तो कौन सा भाग था, तेलंगाना ही वाला भाग है ना, अरे देश अरे राज्य आई तो आंध्र प्रदेश, राज्य कौन सा भाग है चाहे भाग्य था तो कौन तेलंगाना, ठीक है। राज्य के बात आई तो यूपी, अब बात आई कौन विशेष काम के राहुल संस्कृत कहाँ का, तो यूपी के आजमगढ़ का। चलिए आगे, अभी ऊपर ही बताया थे हमला देख ला कुल घर इकट्ठे हैं, मार परेशान वालों घर कहाँ है तबत ठीक है ना ये लोग सोचना फोटो ना ले कि क्वेश्चन है भैया ये क्वेश्चन है आपका कूट में मिलाना है ये चले आज मिलावर जितने लोग मिलावा, लेकिन क्या चीज कुछ नहीं यहां लिखा है, यहां लिखा क्या रहेगा हवा एक दुई तीन चार, लेकिन हवा एक दुई तीन चार पांच ठीक है यही दिमाग लगाना है। चलें बहुत देख ला लोग देखा असम में कवन त्योहार बिहू त्योहार, ठीक है ना, बोरा और चेवा वहां का मशहूर चावल। अब वो छोड़ दा, असम में 10 से 12 फीट लंबे घर तो किसके, बांस के खंभों पे बने ऊंचे घर जिनकी छतें क्या है ढालूदार, तो बांस से आ जा कहा यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला देखा कुल ठीक लगा था, आया आगे कुल हटा दा
अब क्या कह रहा है, ले लद्दाख में किससे, पत्थर की दीवारें, लकड़ी के क्या थी छतें, वो भी कैसे छत, प्लेन, छत कैसी थी प्लेन, लेकिन जम्मू कश्मीर और कहां मनाली हिमाचल प्रदेश में छत ढालूदार, तो इस कोने में चला जाएगा इसमें, और ढालूदार छत किसमें, इसमें। आप क्या बचा, राजस्थान में कटीली झाड़ियां और मोटी दीवारें, तो ये कहां चला जाएगा तीसरा, कौन छूट गए इसे, अच्छा बहुमंजिल घर जिनकी बड़ी खिड़कियां हैं लेकिन कांच का ना, और वो भी कहां निचले मंजिल में नहीं होता है, ले लद्दाख वाले में कुछ ऊपरे मंजिल में होता है, तो कौन सही है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये तो लोगों ने कई चीज याद करा दी एक बार में, इसलिए क्वेश्चन ऐसा छाट छाट के हम लाए, कोनो क्वेश्चन सावधान वाला ना आगे अगला काम हो जाए, लेने में अच्छा अच्छा क्वेश्चन है कि जो में चार चार पांच पांच सीन पता चल रहा आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर हो जाएंगे ना दो तीन प्रैक्टिस तो काम खत्म, लाभ या दर्द। अब क्यों यो ना कहेगी थ्योरी ना पढ़ा वाला है, थ्योरी भी हो जा रही है आपका और प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, ठीक है चलिए। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए सब लिखा है साफ साफ पढ़ लीजिएगा, अब किसमें आ जाए भैया, कोई जनजाति एक ऐसा स्पष्ट लोगों का समूह होती है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है, जरावा जनजाति किस क्षेत्र के राज्य के हैं, अच्छा जरावा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 ना 17 है, 17 है कि 18 है भाई, ना डल ना बस खाली फोटो खींच के मार डल पैडागोजिया में है, अंडमान निकोबार, ये तो हमको भी भूल गए हम, ये क्वेश्चन हमको भुला कि नहीं, कह रहा है कि जराव जराव जनजाति किस क्षेत्र का राज्य की है, अच्छा अंडमान निकोबार हम कहीं पढ़ बने कि नहीं अभी तक, बस खाली हम जब भी पढ़े क्या पढ़े हैं झारखंड है, हम तो अभी तक पढ़े हैं टीवीएस में झारखंड पढ़े हैं और कुछ पढ़े नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भाई आप लोग ठीक है अभी तो फिलहाल मान लीजिए किसमें झारखंड में मान लीजिए ठीक है ना, लेकिन इसको आप लोग देख लीजिएगा पहले बता दे रहे साहब साहब, हिम्मत के ऊपर है कि नहीं उल्टा सीधा पढ़ा चल गई ना, हाँ जोन बात तो उन साहब ठीक है, अभी झारखंड पे मार के रखिए देख लेंगे बाद में, चलिए इसको झारखंड में मार के रखिए, अरे ला पहला सही है ए का सही कर अंडमान तथा निकोबार, हाँ वो गलत समझ के बोलना है क्यों कहीं पढ़ला ही ना आई जाए ठीक है, तो देख ला लोग ए यही बहाने देख ला कुल जल्दी से, हो गया चल रहे आगे ला भैया जल्दी करा लो, ये कुल एकदम स्पेशल स्पेशल चीज है लेकिन याद रखिए कई ठो पैडा कई ठो पढ़ेंगे आप कम से कम 10 पढ़ ले होगा तब इतनी चीज मिली सबका प्रैक्टिस में, इतना थ्योरी टाइप का पूरा, ये निचोड़ आपका एक कम लग रहा है लेकिन पूरा एकदम कवर वाला है, लेपचा ये क्या है लेपचा है, मध्य प्रदेश में भील बोंड बिरहो गाडवा कोल नट ये यूपी टेट का भी इसमें है बहुत सारा कुछ ठीक है ना, इतना दिमाग मत रखिए जो नहीं तो के मिल गया अंडमान निकोबार ये पूछी उछी ना, ये ऑनलाइन क्वेश्चन है तब तक पूछ दे ले, और हम इसलिए लेके आए हैं कि बस इसके लिए लेके आए ताकि ये चीज आपको मिल जाए एक ही जगह, जिससे कहीं अगर इधर उधर जाए तो आपका दिमाग काम करे, काहे तो कहे में तनको पीछे ना हट बाकी पढ़ो ना कुल पढ़ावा ले तो पर ध्यान ना दिए ना पढ़ा ले पर ध्यान पक्का जाए ये कई बार हो चुका ना, अरे क्या बोल रहा है आंखें इसके सिर के सामने, तो सिर के सामने उल्लू का होता है एकदम खोपड़िए पर, सिर के सामने उल्लू की आंखें होती हैं
ला दे लू वो पढ़ ला के पूरा कौआ देख लीजिए भाई 270 डिग्री बताया था ना, कह रहा है यहां से बात स्टार्ट हुई। स्टार यहां से उल्लू एक निशाचर पक्षी है। निशा मतलब रात, चर मतलब चलने वाला, तो रात में चलने वाला पक्षी, जिसका अर्थ है कि वह दिन में क्या करता है, सोता सोता रोता है, खाने के लिए रात में मिलता है उसको। उनके सिर के सामने की तरफ दो आंखें होती हैं, यहाँ पे क्या है आंखें होती हैं। और उल्लू क्या है, मांसाहारी, क्या खाता है, मूसक मतलब मूस, बताओ संस्कृत में लिखा था लोग मूसक, छोटे और मध्यम आकार के स्तनधारियों जैसे कीड़े मकोड़े छोटे क्या करते हैं, और मछली और अन्य पक्षों खाते मिला जुला के एक भैया जी होगल का मांसाहारी कुछ खाइए, बात का है खत्म। अब 270 डिग्री क्या है, उल्लू की आंखें घूमती रहती हैं, गर्दन घुटनी घूमती है, और मैना का जट से आगे पीछे, उल्लू का 270। अधिकांश पक्षियां जब सामने देखती हैं तो दोनों आंख वहीं पे होती हैं, और जब अलग अलग देखती हैं तो दो अलग अलग चीजों को देख सकती हैं। ये कैसे ये मैं कटपीट क्या गलो, यहां से क्वेश्चन है ना, यहां से अच्छा है तो क्यों बता दी, कौन कौन, दिल्ली, मिजोरम, चंडीगढ़, झारखंड, नागालैंड और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो ठीक ठीक नागालैंड कहां से आ गया कि ना, तो क्या सही होगा, यहां पे पहले ही सही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर जो पहली बार जब बनल रहा तो 2019-20 में क्वेश्चन ना ले से कहा, लद्दाख क्वेश्चन आया था यहीं से, ठीक है ना, लद्दाख वाला क्वेश्चन यहीं से आया था। देख ला भैया कुल का व्यवस्था है जी ना, कोनो इधर जिले की ना जवन क्वेश्चन है विधवत विधवत क्वेश्चन है, ताकि आपको बस क्या करना है यही पढ़ लेना, अगले के लिए तैयार रहिएगा। अगला जो प्रैक्टिस होगा उमैन की उम्मत के कहां कहां से, उमैन कुल ना दिए थी, ठीक है। तो दिल्ली, नई दिल्ली, लद्दाख का लेह, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, ये क्या दिया है, राजधानी दिया है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश दिया है, दिमाग में और रखिएगा। और लक्षद्वीप का कवारत्ती और पद्मचेरी का पद्मचेरी, देखिए चंडीगढ़ और पद्मचेरी सेम सेम जा रहा है, और लद्दाख का आपको याद रहेगा, श्रीनगर का आधा यो याद है, बस याद कौन सा करना है, लक्षद्वीप का कवारत्ती, बस यही याद करना है, कवारत्ती, रत्ती भर, रत्ती भर कावा ये भैया कहानी का हो गई खत्म हो गई यहीं पे। हाँ क्वेश्चन तो थे केवल लगभग 20 ना, हाँ क्वेश्चन तो थे 20, लेकिन जो ने मटेरियल ला ला वो 100 से भी कम ना रहा, क्वेश्चन वो 100 से भी कम नहीं था जो मटेरियल से था। तो आशा करते भैया आप लोग क्या है विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, अगर समझ में आए तो आप लोग, सबसे बड़ी बात यह है आज हम बहुत गंभीरता के साथ कहने वाले हैं कि आप लोग जो है कितना नंबर आता ये कमेंट नहीं करते हैं कि भैया इतनी में से हमारे कितनी सही बन और कितना मेरे लिए हेल्पफुल रहा, अन्ना कमेंट अन्ना शेयर और सब्सक्राइब को दूर दूर तक निशान ना आए। तो अगर वीडियो पसंद आए भैया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा देखने वालों की संख्या बढ़ेगी उतना ही कम समय में बढ़िया बढ़िया चीज लेके आएंगे, एकदम निचोड़ वाला, ज्यादा इधर उधर नहीं, साइकोलॉजी में कोई आपको काट नहीं सकता, ईवीएस जैसे पहला चला ऐसा खाली 5 चल जाए तेरे बाद तो कहानी का हो जी पार हो जी, खाली 5 वीडियो अगर ऐसा मिल जाए तो आप गलत होने वाला ईवीएस में नहीं है, और शिक्षण में तो कोनो कामा ना कहते हैं, शिक्षण एकदम सही चल रहा है, शिक्षण में कोई तकलीफ है नहीं। हिंदी पर अगर आप, आपको आता है थोड़ा बहुत ग्रामर का, ऐसे ही 1-2 वीडियो डालेंगे और पूरा निचोड़ वाला, जोन पूछी वह वाला बात हुई, अलग अलग से बात ना, फालतू में यूपी टेट में जाने की हमको जरूरत नहीं है, जो पूछा जा रहा है सीटेट में वही क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या धन्यवाद।